चलो। आजा बच्चा, पहले भूमिका में पूरा समझा देती हूँ। चलो सुनो बच्चों, दिस इज सीए दीपा देवानी फ्रॉम दीपशिखा कॉमर्स क्लासेस साइड। बेटा ध्यान से सुनते चलना, क्या होता है अकाउंट्स, क्यों करते हैं। यहाँ मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों बिल्कुल अलग होगा। मैं पूरा एनिमेटेड फॉर्म में पढ़ाऊँगी, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज अकाउंट्स का पढ़ाऊँगी। इसके साथ मैं अपने पूरे पास एग्जामिनेशन, 15 साल के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करवाऊँगी। अगर तुम लोगों को रियल में 100 out of 100 स्कोर करना है तो बच्चों बिल्कुल जैसे जैसे मैं पढ़ाती चलूँ वैसे वैसे तुम लोग पढ़ते चलना। और मैं आपको पूरे नोट्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको पूरे के पूरे नोट्स दूंगी पीडीएफ के। आपको सिर्फ वही फॉलो करने, इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं करना। आप अपनी मर्जी से एनसीईआरटी या कोई रिफ्रेशर यूज़ करना चाहो करो, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आपके बेसिक क्लियर हो। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम जाए चैट बॉक्स में बताते चलना, मैं देखती चलूँगी। अगर और कोई प्रॉब्लम जाती है बेटा भूमिका, हैंड रेस कर लेना, मैं बता दूंगी, ठीक है। आ जाओ बच्चों, सुनो ध्यान से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है अकाउंट्स क्या है। हमने 11th में कॉमर्स लिया है, कॉमर्स में 3 कोर सब्जेक्ट है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी। अकाउंट्स है क्या, क्यों करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स को ढूंढने से पहले हम एक चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। एक है बेटा कोई भी पर्सन, भूमिका आप ही बताना आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। कोई आप एक, लेट से सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। बच्चों बताओ बिजनेस कौन सा स्टार्ट करना है तुम्हें, बोलो बच्चों कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है आप लोगों को, बोलो बोलो। रेस्टोरेंट का बिजनेस बच्चों, फॉर एग्जांपल सपोज तुम लोग एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब आपको एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करना है, एक सुंदर बिजनेस स्टार्ट करना है। अब रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए आपको सबसे पहले चाहिए रहेगा बिल्कुल फर्नीचर चाहिए रहेगा, हाँ एक प्रमाइसिस चाहिए रहेगा, एक बिल्डिंग चाहिए रहेगी बच्चों। रेस्टोरेंट के बिजनेस के लिए एक बिजनेस की बिल्डिंग चाहिए रहेगी बिल्कुल। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होगा तो आप बिल्डिंग खरीद लोगे, और अगर आपके पास कम पैसा होगा तो बिल्डिंग को रेंट पे ले लोगे भाई, बिल्कुल। एसी चाहिए बिल्कुल, उसके बाद कुक चाहिए कि नहीं चाहिए बेटा, कुक बिल्कुल चाहिए, कुक चाहिए, उसके बाद है ना, उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी के पेमेंट करने हैं बिल्कुल। बच्चा एक बात बताओ, इतना सब कुछ क्या फ्री में आ जाएगा, इतना सब कुछ क्या फ्री में आ जाएगा, नहीं। इसके लिए पैसा चाहिए, इसके लिए आपको क्या चाहिए, फंड चाहिए। सोर्स ऑफ पैसे किसी भी बिजनेस को, छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, जो भी स्टार्ट करना हो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैसे के आप कोई भी बिजनेस को बच्चा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको एक होटल खोलना है बेटा, अगर आपको एक होटल खोलना है, होटल के लिए फर्नीचर, एसी, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ चाहिए, तो आपको सबसे पहले अपना बजट बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अंदाज़ा लगाया कि फर्नीचर है भाई मेरा 5 लाख में आ जाएगा, मेरे पास इतना तो पैसा नहीं है कि मैं बिल्डिंग ले पाऊँ, लेकिन मुझे बिल्डिंग का किराया तो देना ही है। अब बेटा मेरे को बिल्डिंग का किराया, मेरा 1 लाख रुपये ऐसी बिल्डिंग खरीदूंगी कि 1 लाख रुपये पर मंथ तो किराया चाहिए, यानी बिल्डिंग के किराए के लिए मेरे को 12 लाख रुपये रेंट के लिए चाहिए। मेरे एसी आएंगे, एसी आएंगे 3 लाख रुपये के, मेरे बच्चों एसी आ जाएंगे, ठीक। कुक आ जाएगा, बिल्कुल कुक आएगा। जब आपके पास कुक आएगा, कुक चार पांच रखोगे तो उनको सैलरी दोगे, एक एस्टीमेशन। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल 2-3 महीने का ही मैं अभी बजट बना रही हूँ। जैसे बिजनेस स्टार्ट होगा मैं ज़्यादा का बजट नहीं बना रही हूँ, 2-3 महीनों का बजट बना रही हूँ। तो बेटा 5 लाख प्लस 12 लाख, फॉर एग्जाम्पल किराए का एस्टिमेशन 12 महीने का लेके चलती हूँ, 5 प्लस 12 17 प्लस 3 20 लाख,
20 लाख और 2 लाख कितना चाहिए डियर? 22 लाख का फंड चाहिए। बिल्कुल। अब बेटा ध्यान से सुनना, जब आपको 22 लाख का फंड चाहिए, पैसा कहाँ से आए? प्रॉब्लम ये है कि पैसा आए कहाँ से, कहाँ से लाओगे? बच्चों बोलो कहाँ से लाओगे, बोलो कहाँ से लेके आओगे? लोन लोगे। एग्जैक्टली, लोन लोगे और कहाँ से लेके आओगे? 22 लाख का फंड चाहिए तो लोन तो लोगे लोगे, और कहाँ से लेके आओगे? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, सुनना, मैं बैंक के पास जा रही हूँ, बैंक मुझे 22 लाख का लोन दे दे और होटल मेरे को स्टार्ट करना है, एक रेस्टोरेंट प्यारा सा स्टार्ट करना है, क्या प्रैक्टिकली बताओ बैंक आपको दे देगी लोन की? कुछ आपसे पूछेगी? बोलो जल्दी बोलो, क्या पूछेगी आपसे बच्चों? पूछेगी क्या? पूछेगी, वही तो, क्या पूछेगी आपसे, क्या पूछेगी बेटा? सुनो, हाँ बोलो ध्यान से सुनना, आपका प्रोजेक्ट क्या है? सबसे पहले पूछेगी कि आपका प्रोजेक्ट क्या है। मैंने कहा देखो मुझे एक होटल स्टार्ट करना है, एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है जिसमें मेरा फर्नीचर लगेगा इतना, बिल्डिंग लगेगी इतनी, एसी लगेगा इतना, कुक को इतना देना है, इलेक्ट्रिसिटी को इतना देना है, तो मेरी ओन एंड एवरेज कॉस्ट 22 लाख आ रही है। बैंक बेटा बोलती है मैं ऐसे तो रिस्क नहीं लूँगी, तुम बताओ तुम अपना पैसा कितना लगा रहे हो। बेटा जो भी पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, जैसे भूमिका स्टार्ट करी है बिजनेस को या मैं स्टार्ट कर रही हूँ रेस्टोरेंट का बिजनेस, तो जो भी पर्सन बिजनेस को बच्चा स्टार्ट करता है उसे क्या कहते हैं? ओनर। ओनर से बैंक पूछती है प्रमोटर, प्रमोटर या ओनर, जो बिजनेस का इनिशिएट लेता है उसे कहते हैं ओनर या प्रमोटर, ठीक। ऑनर से पूछती है बैंक तुम कितना लगा रहे हो, क्योंकि बैंक पूरा रिस्क नहीं उठाती, किसी को लोन देना भी तो एक रिस्क ही है, फ्यूचर में उसकी कमाई ना हो, पैसा ना आए तो अगर आप कुछ लगाओगे ना पैसा, बैंक डेफिनेटली आपको दे देगी। मैंने कहा कि बैंक मेरे को 22 लाख रुपए का मेरा बिजनेस प्रोजेक्ट है, मुझे 22 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक ने कहा ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप कितना लगा रहे हो? बेटा सबसे पहले बिजनेस की एक प्राइमरी कंडीशन होती है बच्चों, बिजनेस की एक क्या होती है, बिजनेस की एक प्राइमरी बच्चा कंडीशन होती है, बिजनेस में सबसे पहले पैसे को अरेंज किया जाता है, बिजनेस में सबसे पहले पैसे को अरेंज किया जाता है, बिजनेस में पैसे को अरेंजमेंट को कहा जाता है सोर्स ऑफ फंड। बिजनेस में पैसे के अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है बच्चों, क्या कहा जाता है जल्दी बताओ? सोर्स ऑफ फंड। पैसा बिजनेस में अरेंज करने को कहते हैं सोर्स ऑफ फंड। तो लो पैसे को हम बिजनेस में अरेंज कर रहे हैं तो उसे कहेंगे बच्चों सोर्स ऑफ फंड। अब ध्यान से सुनना, बिजनेस में जब भी, जैसे हमारे बिजनेस को जरूरत थी 22 लाख की, हमारे रेस्टोरेंट के बिजनेस को जरूरत बच्चों कितने की थी? 22 लाख रुपए की जरूरत थी। हमने 22 लाख में से मैंने बैंक को कहा मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट 22 लाख का है, सबसे पहले बैंक बोलेगा तुम कितना पैसा लगा रहे हो, क्योंकि स्टार्टअप तो तुम्हारा है, तुम पैसा नहीं लगाओगे और बोलोगे बैंक पूरा लोन दे दे, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपसे पूछेगी कि बैंक आप कितना लोन पैसा लगा रहे हो? तो मैंने कहा देखो बैंक मेरे पास भाई 10 लाख है, मेरी बहुत तहे दिल की इच्छा है कि मैं बैंक क्या स्टार्ट करूँ, बिजनेस स्टार्ट करूँ, तहे दिल की इच्छा है मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो बैंक ने कहा अच्छा आप 10 लाख लगा रहे हो, तो बैंक बोलती है ठीक है मैं भी रिस्क उठाती हूँ, मैं 12 लाख रुपए तेरे को लोन देने को तैयार हूँ। अब देखो बिजनेस 22 लाख कैसे अरेंज कर रहा है, बिजनेस एक पैसा ले रहा है ऑनर से, बच्चा ऑनर से कितना पैसा ले रहा है जल्दी बताओ, ऑनर से कितना पैसा ले रहा है बोलो, ऑनर से बच्चों कितना पैसा ले रहा है? ऑनर से 10 लाख रुपए ले रहा है, ओके। बैंक से कितना लोन ले रहा है? 12 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रहा है। बैंक से कितने का लोन ले रहा है बेटा? 12 लाख रुपए का बैंक से लोन ले रहा है। जैसा मैंने आपको कहा कि बिजनेस में बच्चा पहला पैसा मैंने लगाया, मैंने कहा कि बैंक मेरे को, मैं 10 लाख लगा सकती हूँ, आप प्लीज़ लोन दे दोगे? बैंक ने कहा ठीक है मैं इतनी रिस्क उठाने को तैयार हूँ। बेटा ध्यान से सुनना, ओनर के पैसे को क्या कहते हैं? ओनर के पैसे को कहा जाता है कैपिटल। ओनर के पैसे को क्या कहा जाता है बच्चों? कैपिटल।
जब भी कोई भी बिजनेस में ऑनर पैसा लगाएगा तो ऑनर के पैसे को बच्चा कहते हैं कैपिटल, ठीक। इसके बाद अगर आप किसी भी पर्सन से लोन लेते हो, जरूरी नहीं है बैंक से लोन लो, बैंक से भी लोन ले सकते हो, किसी पर्सन से, थर्ड आउटसाइडर से भी लोन ले सकते हो, क्योंकि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अगर आप किसी से भी लोन लेते हो तो बच्चा उसको कहा जाता है बोरोड फंड। उसको क्या कहा जाता है? बोरोड फंड। बोरोड फंड को एक और चीज के नाम से बुलाते हैं हम लोग, लाइबिलिटी। बोरोड फंड को और किस नाम से बुलाया जाता है बच्चों? बोलो, लाइबिलिटीज। LIABILITIES, हाँ, लाइबिलिटीज। सुनो, ध्यान से सुनना, जब भी आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रैक्टिकली समझो, बिजनेस स्टार्ट करना है बच्चों, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पैसा। पैसे की प्रोजेक्ट बनाओ कि पैसा कहाँ कहाँ हमें खर्च करना है और कितना पैसा चाहिए। जैसे ही आपने पैसा का अंदाज़ा लगाया कि मेरे को एसी ये लेना है, मेरे को ये लेना है, ये लेना है, ओके, अब पैसा लगाया, अब पैसा जब से ही लगाओगे तो आपने अंदाज़ा लगाया 22 लाख चाहिए। फिर ऑनर खुद इनिशिएट करता है पैसे का। जैसे ही ऑनर इनिशिएट करता है तो ऑनर के पैसे को क्या कहा जाता है? ऑनर फंड। ऑनर के पैसे को क्या कहा जाता है? ऑनर फंड या कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद बच्चों ध्यान से सुनना, उसके बाद अगर आप किसी भी पर्सन से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लेते हैं तो उसे कहते हैं लोन या बोरोड फंड। चाहे ये लोन या बैंक से लिया जाए या किसी भी आउटसाइडर से लिया जाए। चलो बच्चों, अब एक बात बताना, अब इस पैसे का क्या करूं? 10 भी मिल गया और 12 लाख बैंक से लोन मिल गया, 22 लाख मिल गया, बच्चा मैं इसका क्या करूं? बोलो, इससे क्या करूं मैं? मेरा काम है अब इससे पार्टी ऑर्गेनाइज करना, काम नहीं है कि मस्ती करूं बैठ के कि अरे वाह अरे वाह 22 लाख आ गए। मेरा काम है इससे फर्नीचर खरीदना, बिल्डिंग का किराया देना, एसी खरीदना, कुक को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे करना, बच्चा ये मेरे सारे काम हैं। तो बेटा जब मैं ये करूँगी, फर्नीचर खरीदूँगी, एसी खरीदूँगी, कुक को पैसा दूँगी, तो मेरे पास पैसा खर्च होगा। बिजनेस में पैसे अरेंजमेंट को कहा जाता है सोर्स ऑफ फंड, और बिजनेस में पैसा खर्च करने को कहा जाता है बच्चों यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्या कहा जाता है? यूटिलाइजेशन। वेरी गुड बच्चा, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड को यूज करना बेटा, फंड को क्या करना? यूज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कहा जाता है। अब फंड कैसे यूज किया जाता है ध्यान से सुनना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर आप जब भी फंड को यूज करते हो ना बेटा, या उससे कुछ भी खर्चा करोगे, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है पैसा खर्च करके कुछ भी, या तो आइटम खरीदना या सर्विस लेना। जैसे एसी एक आइटम है, फर्नीचर एक आइटम है, मैंने मकान मालिक को रेंट पे करूँगी। क्यों पे करूँगी? क्योंकि मैंने उसकी बिल्डिंग नहीं खरीदी, उसकी बिल्डिंग को यूज़ करने के लिए पेमेंट कर रही, तो वो एक सर्विस है। कुक को पेमेंट करूंगी तो कुक को तो नहीं खरीदूंगी, बावर्ची को खरीदूंगी थोड़ी ना, कुक को उसकी सर्विस के लिए पेमेंट करूंगी। तो बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड का मतलब होता है बिजनेस के पर्पस से कोई आइटम खरीदना या कोई सर्विस लेना जिसके बदले में पेमेंट करना, ठीक। आ जाओ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में अगर आप कोई भी ऐसा आइटम खरीदते हो या कोई भी ऐसी सर्विस के लिए पेमेंट करते हो जिसका बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा मिले, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन वन ईयर मिले, जिसका बेनिफिट बच्चों आपको मोर देन क्या मिले? वन ईयर, एक साल से ज़्यादा मिले, तो बच्चा उसे हम कहते हैं एसेट। उसे हम क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? एसेट। आप एसेट, एग्जैक्टली एसेट्स। अगर आप ऐसा कोई आइटम खरीदते हो जो कि आपको बेनिफिट एक साल से ज़्यादा दे, तो बच्चा उसे कहते हैं एसेट। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में अगर आप ऐसा कोई आइटम खरीदते हो जो बेनिफिट विद इन द वन ईयर दे, बेनिफिट बेनिफिटेड एक साल के अंदर दे, विद इन द ईयर दे, बेनिफिटेड विद इन द ईयर दे, बच्चा बेनिफिटेड एक साल के अंदर ही दे, बेनिफिट मोर देन वन ईयर दे, तो एसेट। लेकिन अगर आप ऐसा आइटम खरीदते हो कि जो बेनिफिट आपको एक साल के अंदर दे, तो बच्चों उसे कहेंगे एक्सपेंसेस। उसे क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस। गुड।
जब भी कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, अगर वो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा, पैसा सोर्स ऑफ फंड, पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? सबसे पहला पैसा मालिक लगाता है। मालिक के पैसों को बच्चों क्या कहते हैं? जल्दी बोल, मालिक के पैसे को क्या कहा जाता है बेटा? मालिक के पैसे को क्या कहा जाता है? कैपिटल। गुड, मालिक के पैसे को बच्चों कहा जाता है कैपिटल। मार्केट से उधार लोगे, दूसरी जगहों से उधार लोगे, तो दूसरे उधार को क्या कहा जाता है बच्चों? जल्दी बताओ, उधार को क्या कहा जाएगा? बोरोड फंड। उधार को कहा जाता है बोरोड फंड। फिर पैसा आ गया, फिर पैसे का यूज करोगे। यूज को क्या कहा जाता है? यूज को बच्चों क्या कहा जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यूज को क्या कहा जाता है बेटा? बोलो क्या कहा जाता है? यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। आप कोई ऐसा आइटम खरीदो जो बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा दे, तो वो है आपका एसेट, वो है आपका एसेट। कोई ऐसा आइटम खरीदो जो बेनिफिट आपको मात्र एक साल दे, तो वो है हमारा एक्सपेंसेस, वो है हमारा एक्सपेंसेस। चलो सुनो, अब ध्यान से तुम बताओ, होटल वाले ने, मालिक ने पैसा लगाया, ऑनर के पैसे को क्या कहेंगे? ऑनर के पैसे को क्या कहेंगे? कैपिटल। वेरी गुड, कैपिटल। होटल वाले ने बैंक से लोन लिया, बैंक लोन को क्या कहेगा? बोरोड फंड। वेरी गुड बच्चा, बैंक लोन को क्या कहेगा? बोरोड फंड। अब बेटा ध्यान से सुनना, इसके बाद अगर आपने फर्नीचर खरीदा, अगर आपने फर्नीचर खरीदा, बोलो फर्नीचर क्या है उसके लिए? पहले तो सोचेंगे, फर्नीचर खरीदा, पैसा आया नहीं, पैसा तो गया। ये फर्नीचर एक साल बेनिफिट देगा कि एक साल से ज्यादा? बोलो एक साल बेनिफिट देगा कि एक साल से ज्यादा? एक साल से ज्यादा। वेरी गुड, तो बच्चा ये फर्नीचर क्या हुआ? ये फर्नीचर मेरा एसेट हुआ कि ये मेरा एसेट? एग्जैक्टली बच्चा, ये हो गया मेरा एसेट्स। उसके बाद उसने रेंट पे किया। अब रेंट बेनिफिट एक साल देगा एक साल से ज्यादा? बोलो रेंट बेनिफिट एक साल देगा कि एक साल से ज्यादा? भाई एक महीने के लैंडलॉर्ड एक साल देगा। इनफैक्ट एक साल क्या, एक साल से कम ही देता है। एक महीने के रेंट पर आपको एक महीना बिल्डिंग यूज करते हो, है ना? हर महीने रेंट देते हो ना, जिस दिन आपने दिया उस दिन टाटा बाय बाय कह देगा। तो रेंट पेड बेटा एक्सपेंसेस है। कुक को सैलरी दोगे, बावर्ची को सैलरी दोगे, बोलो कुक की सैलरी क्या है? बोलो कुक की एक्सपेंसेस। हाँ एक्सपेंसेस है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस। वेरी गुड बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी बेटा एक्सपेंसेस है। इसके अलावा उसने एसी खरीदा, बोलो एसी क्या है बेटा? बोलो एसी क्या है? एसेट, क्योंकि एसी एक साल से ज्यादा चलेगी। कोई भी बिजनेस हो बच्चों, छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बिजनेस हो, बिजनेस को चलाने के लिए रूल, पहले बिजनेस में पैसा अरेंज करना होगा। जब भी पैसे को अरेंज करोगे, पहला पैसा मालिक लगाएगा। मालिक के पैसे को कहते हैं कैपिटल। मालिक के पैसे को क्या कहा जाता है बच्चा? कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद आप मार्केट से लोन उठाओ, लोन को कहते हैं बोरोड फंड। पैसा अरेंज हो गया, अब पैसे का प्रॉपर यूज़ करो, खर्चा करो। उड़ाना नहीं है, खर्चा प्रॉपर करना है ताकि आपको वो बेनिफिट दे पाए। अब वो एसेट, अगर आप उसे ऐसा आइटम खरीदोगे जो बेनिफिट आपको एक साल से ज़्यादा दे, तो वो होता है एसेट। और अगर ऐसा आइटम खरीदोगे जो बेनिफिट एक साल से कम दे, तो वो होता है एक्सपेंस। जैसे ये तो थी कहानी रेस्टोरेंट की, अब मैं कहानी आती हूँ कोचिंग, जैसे दीपशिका कॉमर्स क्लासेस की। दीपशिका कॉमर्स क्लासेस ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, उसको ज़रूरत थी 15 लाख की। मेरे पास अपना 10 लाख रखा था, मैंने 10 लाख दीपशिखा में लगाया, तो 10 लाख मालिक का पैसा है। मालिक के पैसे को क्या कहते हैं? कैपिटल। 5 लाख रुपए का ओनर फंड या कैपिटल, बच्चा ओनर फंड या कैपिटल। फिर 5 लाख रुपए का मैंने बैंक से लोन लिया। जैसे ही मैंने 5 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, तो भाई बैंक का लोन हो गया बोरोड फंड या लाइबिलिटी। एग्जैक्टली, बोरोड फंड या लाइबिलिटी। फिर बेटा मैंने ये कंप्यूटर खरीदा, ये सेटअप पूरा डाला। अब बताओ कंप्यूटर एक साल चलेगा कि एक साल से ज्यादा? एक साल से ज्यादा। एग्जैक्टली, कंप्यूटर मेरा एसेट्स है।
ठीक, हम लोगों की बिल्डिंग है, रेंट पे ली हुई बिल्डिंग है, तीन 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 जगह ब्रांचेस चलती है हम लोगों की, तो वहां का तीन जगह का रेंट पे करते हैं हम लोग। बोलो रेंट क्या है? रेंट क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस एग्जैक्टली। फर्नीचर खरीदा बच्चों, फर्नीचर क्या है? एसेट। एक साल से ज्यादा चलेगा। एसी खरीदा, एसी क्या है? एसेट। हर बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा बच्चा बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए ये कंपोनेंट होने बहुत जरूरी है। पहला कैपिटल, दूसरा बोरोड फंड या लोन, तीसरा एसेट और चौथा हमारा क्या है? एक्सपेंस। एक आइटम और रहा हुआ है इनकम, वो बताऊंगी कल के लेक्चर में। ठीक, आया बच्चा समझ? आ गया? तो ये था मेरा आज का बेटा बेसिक कंसेप्ट। अब अगर आपको एनिमेटेड नोट्स चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बच्चा लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करोगे, अपना मेल आईडी, आपका मेल आईडी सही डालना, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जो भी हमारे हमें मेल आईडी मिलेगा, उस मेल आईडी पे आपको पूरे के पूरे एनिमेटेड नोट सेंड कर दिए जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। अगर आप चाहते हो इन बच्चों जैसे लाइव इंट्रैक्शन करना, मोस्ट वेलकम, आप हमारे ऐप पर आ जाओ। लेकिन बच्चों रात के 8 बजे से लेकर 8:20 या 25 मिनट तक जो वेबिनार है उसको रोज देखो, आपके 100% कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। और मैं गारंटी देती हूँ बच्चे, आपके 95 कहीं नहीं गए हैं। ठीक, और जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ कर रहा हूँ बस वो करके जाना, और मेरा PDF मोर देन इनफ होगा सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल बच्चा एग्जैक्ट 8:00। ठीक, बाय।